विकास ट्यूटोरियल के यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आप क्लास फोर में आईपीएससी क्लास चौथा क्लास लेने जा रहे हैं। हम देखते हैं इसमें क्या होता है। आप लोगों को आईपैक का दो रूल हम बताए थे। पहला रूल था लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल, और दूसरा था फर्स्ट पॉइंट कंपेयर, फर्स्ट पॉइंट कंपेरिजन रूल। फर्स्ट पॉइंट कंपेरिजन रूल था सेकंड वाला, पहला लोएस्ट सम रूल, फर्स्ट पॉइंट कंपेयर रूल। हम एक एक एग्जांपल लेके दोनों को एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, इसके बाद फिर आगे वाला अटेम्प्ट करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, ये आपके सामने एग्जांपल रहा है। एग्जांपल में हम लोग काउंटिंग किधर से करते हैं ये देखते हैं। तो हम लोग इसमें लोएस्ट सम रूल अगर लगाते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से काउंटिंग कर लिए। हम पहले लोएस्ट सम रूल अप्लाई करके देखते हैं इसमें कौन सही होगा। लोएस्ट सम रूल पहले समझ लेते हैं। 2 2 2 2 प्लस 2, इधर से काउंटिंग के लिए 2 प्लस 2 और 6, तो आपका हो जाएगा 10। और अगर इधर से काउंटिंग में देखें तो 2 प्लस 6 प्लस 6, यानी आपका होगा 14। तो यहाँ पे 14 आया, यहाँ पे 10 आया। लोएस्ट सम रूल में जो कम संख्या होती है उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग काउंटिंग करेंगे ये वाले पोजीशन से, ना कि ये वाले पोजीशन से। काउंटिंग इधर से होगी अगर, तो ये वाला पोजीशन आपका रॉन्ग होगा, ये वाला राइट। देखते हैं, 7 के लिए हम लोग लिखते हैं हैव, और सिंगल 1 के लिए लिखते हैं एन। इसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ पे चेन और अटैच है। एक देखो, दूसरे नंबर पे 2, और इसके बाद छठवें नंबर पे एक अटैच है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 और 6। हम आप लोगों को तीसरे या दूसरे क्लास में बताए थे कि जब तीन पोजीशन पर कोई एल्किल समूह अटैच हो तो उसके लिए ट्राई लगाते हैं, और तीनों जगह पे आपका मेथिल है तो मैथ, और इसका सफिक्स होगा मेथिल। तो 2 2 6 ट्राई मेथिल हेप्टेन इसका नाम होगा। और हम लोग इसके बाद लोएस्ट सम रूल का ये फंक्शन है, लेकिन हम आप लोगों को तीसरे क्लास में बताए थे कि लोएस्ट सम रूल 90% कंपाउंडों पे सक्सेस है। बाकी उसके बाद वाले यौगिक जो हम लोग आईपीएससी बनाते हैं उसमें ये सक्सेस नहीं होता। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट कंपेयर रूल देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जैसे आपके सामने कुछ ऐसा आईपीएससी नाम आ जाए, हाँ ये आ जाए आपके सामने, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं देखते हैं। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए दोनों तरफ से काउंटिंग में, इधर से काउंटिंग करते हैं, देखते हैं लोएस्ट सम रूल पहले देखते हैं। लोएस्ट सम रूल में इधर से देखते हैं तो पहले दूसरे पे अटैच है, फिर 6 6 पे दोनों अटैच हैं, 6 नंबर पे, तो हो जाएगा आपका 14। जबकि इधर से अगर काउंटिंग में देखते हैं तो हो जाएगा आपका 3 3 और 7, तो ये आपका 13 आएगा। इधर से काउंटिंग में 13 आ रहा है, जबकि इधर से काउंटिंग में 14 आ रहा है। तो लोएस्ट नंबर मिल रहा है ये काउंटिंग में, जबकि हाईएस्ट नंबर मिल रहा है ये काउंटिंग में। तो ये लोएस्ट नंबर मिलने के बावजूद भी ये, अगर आप इस रूल से, लोएस्ट सम रूल से अगर इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं तो ये नाम आपके आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा बता रहे हैं आगे रीजन। देखिए, इसका दो नाम हो सकते हैं। एक पहले ये हो सकता है ऑक्टेन, अगर हम ये काउंटिंग को सही माने ऑक्टेन, और 2 6 6 2 6 6 ट्राई, और लगा क्या है मैथिल। अगर हम ये काउंटिंग सही मानते हैं तो होगा ऑक्टेन 3
थ्री और सेवन ट्राई मेथिल। अब देखिए हम आपको बता चुके हैं, आपके सामने दो नेमिंग इसकी रही, एक लेफ्ट राइट काउंटिंग एक राइट काउंटिंग पे, देखते हैं दोनों में से सही क्या है। अब देखिए इसको जो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हम दोनों तरफ की काउंटिंग का कंपेयर करते हैं। देखते हैं इधर किस पे लगा है, दूसरे नंबर पे लगा है, फिर छः छः नंबर पे दोनों लगे हैं, मतलब मेथिल ग्रुप दोनों तरफ लगा है। तो एक बार फिर हम लोग देखते हैं इस काउंटिंग में कि आपका ये जो, और इधर से काउंटिंग में देखते हैं तो थ्री थ्री और सेवन। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल में देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में आपका ये डिफरेंस आता है, यानी कि पहली पॉइंट में टू आ रहा है, और पहली पॉइंट में यहाँ पर थ्री आ रहा है। टू लोएस्ट नंबर है, थ्री हाईएस्ट नंबर है, तो जो लोएस्ट नंबर पहले नंबर पे मिल जाता है उसी को हम अप्लाई करते हैं, मतलब काउंटिंग उधर से करते हैं, तब हमारा IUPAC सही होता है। यानी हम इधर से काउंटिंग ना करके, इधर से काउंटिंग में पहले नंबर पे थ्री आ रहा है, थ्री तीसरे नंबर पे चेन आ रही है, जबकि इधर से काउंटिंग में दूसरे नंबर पे चेन आ रही है, यानी आपकी काउंटिंग ये सही होगी ना कि ये आपका IUPAC सही है, ये IUPAC गलत है। तो ये आपका लोएस्ट सम रूल रहा, लेकिन लोएस्ट सम रूल यहाँ पे फेलोर कर गया, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से लगाए। और IUPAC का जो सबसे तगड़ा रूल है, जो सबसे अधिक कंपाउंडों पे सत्य होता है या 100% कंपाउंड पे सत्य होता है, वे आपका होता है फर्स्ट पॉइंट कंपेयर रूल, मतलब फर्स्ट पॉइंट कंपेयर करेंगे, जो कम नंबर होगा उसको हम उधर से काउंटिंग पहले करते हैं और IUPAC नाम उधर से लिखते हैं काउंटिंग के बाद, देखते हैं। और इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर IUPAC के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास CH3, CH2, CH2 और CH3 है, तो हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, आप कहिए एक दो तीन चार, चार कार्बन है तो एक दो तीन चार, चार कार्बन ये भी है, और बाकी जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन की बैलेंसिंग, आप कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए जगह जगह पे हाइड्रोजन लगा लेते हैं, लेकिन हम लोग IUPAC लिखते समय अगर इसको ना दिखाएँ ये, तो बैलेंसिंग वाले चैप्टर जो हम लोग बैलेंस करेंगे तब देखेंगे। अभी यहाँ पे केवल हम लोगों को IUPAC नेमिंग करना है, तो इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिख के दिखा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, और ये सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा लेंगे, इसका नाम ब्यूटेन होगा। उसी प्रकार हम कुछ IUPAC नेमिंग लिखते हैं और उसको हम लोग किया जाए, देखा जाए इसमें। जैसे आपका ये रहा, इसकी अगर नेमिंग हमें करनी हो तो हमारे पास काउंटिंग का ऑप्शन कितना होगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ से अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 काउंटिंग रही। दोनों तरफ चाहे इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से काउंटिंग करें, दोनों तरफ की काउंटिंग पे आपका 5 नंबर आता है, तो दोनों काउंटिंग हमारी सही होगी। यानी अगर हम ये काउंटिंग कर लें तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ये काउंटिंग देखिए ये आपकी काउंटिंग रही 5 के लिए पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग एन लगाते हैं। बाकी तीसरे पे 1 2 1 2, जो हम कार्बन काउंटिंग में नहीं लिए तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स 2 कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं। अच्छा 3 पे दोनों तरफ लगा है तो 3 3, जहाँ से ये चेन अटैच रहती है उसको नंबर देना आवश्यक होता है 3 3, और दो जगह के लिए डाई लगाते हैं, और 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन भी, तो 2 2 के लिए एथ, और सफिक्स इसका प्रीफिक्स इसका होगा इल, 3 3 डाई एथिल पेंटेन। अगली नेमिंग देखते हैं, जैसे आपका ये रहा, ये कुछ रहा, देखते हैं इसकी नेमिंग क्या होती है। तो हम लोग अगर इसको काउंटिंग में लेना है तो 1 2 3 4 5, यही आपके पास एक ऑप्शन होगा, या फिर इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो बात वही है कि दूसरे पे इधर भी मेथिल, दूसरे पे इधर भी मेथिल, यहाँ पे तीसरे पे एथिल है, तीसरे पे एथिल है, तो आपकी दोनों तरफ की काउंटिंग सही होगी। 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक ये है। तो आप 5 के लिए लिखते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक नया रूल पढ़ेंगे, जब हमें
मेथिल और एथिल दो प्रीफिक्स मिले हैं, तो हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट देखते हैं। अभी थ्री पे आपका दो कार्बन छूटा है, दो कार्बन के लिए हम लोग एथ लिखते हैं, थ्री पे लिखेंगे एथ और इसमें लगाएंगे इल, और इसके बाद टू और फोर दो जगह लगाया है तो डाई, और लगा क्या है एक कार्बन, यहाँ पे आपका कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ और इल। अच्छा, हम इसको पहले क्यों नहीं लिखे, पहले इसको क्यों लिखे, इसका रीज़न ये है कि हम लोग IUPAC लिखते समय अल्फ़ाबेट का ध्यान देते हैं, प्रीफिक्स लिखते समय अल्फ़ाबेट के लिए पहले ई आता है फिर एम आता है, तो हम एथिल को पहले प्रियोरिटी देंगे उसके बाद मेथिल लिखेंगे, तो इसका पूरा कंप्लीट नेमिंग होगी थ्री एथिल टू फोर डाई मेथिल पेंटेन। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। आपके सामने ये रहा एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल रहा, तो इसकी नेमिंग देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर इधर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास दो ऑप्शन है काउंटिंग के। अब दोनों ऑप्शन में से देखते हैं कौन हमारे लिए अच्छा होगा, कौन किससे हम लोग सही नेमिंग कर पाएंगे। देखते हैं 1 2, अगर फर्स्ट पॉइंट कंपेयर रूल देखते हैं तो यहाँ पे दूसरे पे, और इधर से काउंटिंग में देखते हैं पहले दूसरे पे और चौथे पे और छठवें पे और सातवें, आपकी चेन लगी है, जबकि इधर वाली काउंटिंग देखते हैं तो दूसरे पे तीसरे पे चौथे पे और सातवें पे चेन लगी है। अब हम लोग अगर ये वाला रूल फॉलो कराते हैं इसमें, तो देखो ये पहली पॉइंट कंपेयर में हम लोगों को इक्वल मिली, बराबर मिली, इसका मतलब हम अच्छा जब पहली पॉइंट बराबर मिले तो अगले वाले पॉइंट पे जाते हैं, अगर ये भी बराबर मिल जाए तो अगले वाले पॉइंट जाते हैं, मतलब तब तक हम लोग कंपेयर करते रहेंगे जब तक कि कोई डिफरेंस मिले ना। अब देखते हैं डिफरेंस वो भी कम, तो जो कम रहेगा उधर से काउंटिंग स्टार्ट करें। ये देखते हैं ये पॉइंट बराबर मिल गई, बाकी अगले वाले पॉइंट जाते तो ये थ्री मिला ये फोर्थ, जितना जो कम मिलेगा काउंटिंग उधर से करेंगे, यानी हमारी काउंटिंग सही ये होगी ना कि ये काउंटिंग, तो ये काउंटिंग हम लोगों की सही नहीं होगी, आपका ये काउंटिंग इधर से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोगों की काउंटिंग सही होगी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ऑक्ट ऑक्ट एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन ऑक्टेन इसका, और इसके बाद देखते हैं हम लोग थ्री पे देखिए एथिल लगाया तो अल्फ़ाबेटिकली एथ मैथ के पहले आता है, इसलिए हम लोग एथिल को प्रियोरिटी देंगे, तो थ्री और फोर, थ्री फोर दो जगह लगाया तो डाई, लगा क्या है एथ, और एथ के लिए इसके बाद हम लोग सफिक्स लगा लेंगे एल एथिल, प्रीफिक्स लगा लेंगे एथिल, और इसके बाद देखते हैं मेथिल कहाँ कहाँ पे है, दूसरे पे और सातवें पे, तो 2 7 दो जगह के लिए डाई, और लगा क्या है आपका मेथिल। ये आपका रहा एक और एग्जांपल, इसकी नेमिंग अगर हम लोग सही से लिख लें तो इसकी नेमिंग होगी 3 4 डाई एथिल 2 7 डाई मेथिल और ऑक्टेन, ये इसकी रही नेमिंग। अगले एग्जाम्पल को और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं और क्लियर और ज़्यादा करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल रहा, ये अगर हमें इसकी नेमिंग करनी हो तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं करके कि हमारी IUPAC कैसे चल रही है। ये ऐसे ये तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो बताइए हम लोगों को लॉन्ग चेन यहाँ पे चूज करना है, लॉन्ग चेन कहाँ पे मिलेगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यही आपकी लॉन्ग चेन होगी 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके बाद 1 2 3 4 5 और 3 पे 3 3 डाई, आपका लगा क्या है एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, यानी लगा क्या है मैथ और इल,
इसकी नेमिंग क्या होगी, 3,3-dimethyl, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन छूटा है, दो जगह छूटे हैं, तो डाई मेथिल और 1, 2, 3, 4, 5 के लिए पेंटेन आपका ये होगा 3,3-dimethyl पेंटेन। अगली नेमिंग को देखते हैं, इसको देखते हैं इसकी नेमिंग क्या होगी। इसको देखो लॉन्ग चेन चूज करने के लिए हम लोग देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ से काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हमारे लिए जो लॉन्ग चेन मिलेगी वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सबसे लंबी चेन आपकी यही होगी। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसकी नेमिंग होगी। 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेप्टेन सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोगों के लिए एथिल कहाँ कहाँ पे है। देखो एथिल ये और एथिल ये, यहाँ पे एथिल लगा है और बाकी 3 पर और 5 पर मेथिल लगा है। तो हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट के लिए एथ को पहले लिखते, मेथ को इसके बाद लिखते हैं। देखते हैं एथ 1, 2, 1, 2, यानी 4, 4 डाई लगा क्या आपका एथ इल एथिल, 3, 5, 3, 5 लगा क्या है डाई, एक एक कार्बन यहाँ पे, जबकि यहाँ पे आपका दो दो कार्बन था। ये आपके हम बता चुके हैं हर मोड़ पे कार्बन होते हैं, जहाँ जहाँ पे टर्न होता है वहाँ पे हम लोग कार्बन काउंट करते हैं। तो 3, 5, 3, 5 एक एक कार्बन ये छूटे थे, इसका हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स लिख रहे हैं। तो डाई और एक कार्बन के लिए मैथ और इसमें लगाएंगे इल, आपकी ये रही 4, 4 डाई एथिल, 3, 5 डाई मेथिल हेप्टेन, ये रही इसकी नेमिंग। तो ये रही आपकी नेमिंग। इस क्लास में इतना ही, इसके आगे मिलते हैं अगले क्लास में।